भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही नहीं, ये कांग्रेस की फितरत रही है। ये जब सत्ता में होते हैं तब लूटते हैं, और जब विपक्ष में होते हैं तो झगड़ते हैं। तो ये झगड़े का दौर चल रहा है इनका। और जिस प्रकार से आज कांग्रेस के टुकड़े कितने हो चुके हैं किसी को भी नहीं पता, और स्वयं कांग्रेस केंद्रीय स्तर पर नेतृत्व विहीन हुई पड़ी है। अब पता नहीं किस बात को लेकर राहुल ने इस्तीफा दिया है, या तो वो लोगों को इस बात से बहकाना चाहते हैं, परंतु ये कांग्रेस की गुटबाजी अब चरम पर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैंने तो बहुत दिन पहले कह दिया था, उसने बार बार धमकी दी है कि मैं अशोक तंवर के नेतृत्व में काम नहीं कर सकता। और यदि वो अशोक तंवर के नेतृत्व में काम नहीं कर सकता, उसने कहा है उसके विधायकों ने कि हम पार्टी छोड़ देंगे, तो संभवतः स्वाभिमानी आदमी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो इस प्रकार से अपमानित होकर कांग्रेस में नहीं रह पाएगा। और संभवतः मैंने तो कह दिया था कि कांग्रेस से अलग होकर वो अलग राजनीति करने के मूड में लगता है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है जो उसकी मीटिंग है शायद ये कांग्रेस के नाम पर उसकी आखिरी मीटिंग होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई ना कोई राजनीति दल बनाएगा या कहीं ना कहीं जाके शरण लेगा। देखिए, माने मुख्यमंत्री जी ने जो चुनाव से पहले एक बात कही थी कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे, सभी सर्वे सभी मीडिया और सभी लोग कयास लगा रहे थे 1, 7, 8, 8, 7, 9, मैक्सिमम 9 पे जाकर रुक रहे थे। और जिस दिन रिजल्ट आया रात को 12 बजे भी रोहतक की गिनती जब चल रही थी, किसी पत्रकार ने पूछा कि 9 सीटें आप जीत गए, हमारे मुख्यमंत्री जी बधाई स्वीकार कर ले। उन्होंने कहा कि पहले ये बधाई दो कि 10 की 10 जीत चुके। तो आखिरी वोट की गिनती जब तक नहीं हुई तब तक भी मुख्यमंत्री जी ये बात करते रहे, और लास्ट में हम 10 की 10 सीटें जीतने में कामयाब हुए। हमारे मुख्यमंत्री जी एक अनुभवी नेता हैं, उनका फील्ड का और हरियाणा की जनता की नब्ज का समझने का लंबा अनुभव है, संगठन मंत्री के रूप में भी, पार्टी के नेता के रूप में भी, आज 5 साल से मुख्यमंत्री के रूप में। अब 75 पार में तो 85 भी आ सकती हैं, 82 भी आ सकती हैं, जो भी आज जो आप कयास लगा रहे हैं उन्होंने 75 पार किया, 75 नहीं किया। अब 75 पार कितनी पार होंगी वो आप चंद्र जी और आप कर सकते हो जो बात कर रहे हो, परंतु मुख्यमंत्री जी ने 75 जो पार की जो बात कही है उसमें मुझे 100% दम लगता है। 100 दिन से कम समय रह गया चुनाव को लेकर, तो बीजेपी में दाल हो तो गले ना, दूसरी पार्टी में दाल है ना आग है, वहां तो चूल्हे ठंडे हुए पड़े हैं, हर तवे मुद्दे हुए पड़े हैं, है ही नहीं कुछ। और मैं जिस बात को 4 साल पहले कहता था हरियाणा विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है, उस बात को आप आज कहने लगे हैं, और उन लोगों के मुंह पे कहा करता था, क्योंकि कभी भी सीरियस रूप से कांग्रेस ने और नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला की टीम ने कभी भी हरियाणा की जनता के मुद्दे नहीं उठाए।